हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे बाग में इस समय अडेनियम के एक प्लांट में इतने फ्लावर्स आ रहे हैं, इसमें पत्तियां कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं और सिर्फ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। ये इस समय जो है अडेनियम, जिसको कि हम डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं, इसके फ्लावरिंग का पीक सीज़न है। लेकिन इसमें फ्लावरिंग ऐसे ही नहीं होती है। अडेनियम प्लांट की हमें हर मौसम में ठीक प्रकार से देखभाल करनी होती है, तब हमें इससे इतने अधिक फूल प्राप्त होते हैं। तो अगर स्टार्ट करें हम इसके कोडेक्स से, तो कोडेक्स इसका जितना ही हेल्दी होगा और वो उतना पानी स्टोर कर लेता है, और उसको हमें ये भी देखना है कि वो बरसात के मौसम में या जाड़े में इस प्लांट का कोडेक्स गले ना, क्योंकि अगर इस पे ज़्यादा ओस या ज़्यादा ठंड और या ज़्यादा पानी पड़ेगा तो इसका कोडेक्स जल्दी गल जाता है। तो इसलिए हमें इसे शेड में रखना होता है। अब इसका भी एक वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। अडेनियम के एक नहीं दो तीन वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। अब ये देखिए, जो इसमें फ्लावर्स के आने का सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जब ये डोरमेंसी से फरवरी में बाहर आ जाता है, इसको हम अच्छी तरह इसकी देखभाल कर लेते हैं और ये डोरमेंसी से बाहर आता है, तो मैंने इसकी शाखाओं की प्रूनिंग करके और उनके टिप पे मैंने आपका फंजीसाइड पाउडर ब्लू कलर का दिखाया था, साफ लगा देती हूँ जिससे कि अंदर कोई पेस्ट या कीड़ा इसकी डालों में एंटर ना हो पाए। और फिर मैंने इसकी हैवी प्रूनिंग कर देती हूँ तो उससे इसमें नई शाखाएं और फूल आ जाते हैं। लेकिन फूल इसमें ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, फूलों को लाने के लिए मैंने इसमें साइड से इसमें थोड़ी सी मिट्टी हटा के और NPK 19-19-19 का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें मैंने डाला, और उसके 10 दिन बाद मैंने इसमें DAP के कुछ दाने इसके कोडेक्स से दूर, इसकी जड़ से दूर हो के एक 10-15-20 दाने DAP के और नीम खली के भी डाल दिए, जिससे कि कोई कीड़ा भी ना लगे और DAP से फ्लावरिंग अच्छी हो जाती है। लेकिन DAP का उपयोग आप अब अप्रैल और मई के सीज़न में पौधों में ना करें, क्योंकि DAP एक केमिकल है और उसमें जो है वो हीट वो ज़्यादा रखता है। तो इस तरीके से अब इसमें ये समय अपनी पीक फ्लावरिंग पे है। इस तरीके के पौधे अगर हमारे बाग में हम अपनी मेहनत से ब्लूमिंग पर लाएं तो बहुत ही खुशी होती है देख करके। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये पौधे का वीडियो डाला है, और इसमें विंटर में आप अपने अडेनियम को किस प्रकार से सेव करें, गर्मियों में फरवरी में इसकी प्रूनिंग टोटल किस प्रकार से करें, और क्योंकि ये एक आपका डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट के प्लांट के लिए हमें इसकी मिट्टी भी उसी प्रकार से तैयार करनी पड़ती है जैसे इसे डेजर्ट रीजन में मिलती है। इसका भी एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और मैं उन सभी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके देखिए कि हम इसकी सॉइल को किस प्रकार से पोरस बनाते हैं और कि उसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा ना रहे और नीचे से जितना पानी पौधे को लेना है वो ले ले और बाकी ड्रेन हो जाए। अगर अडेनियम के पौधे में पानी खड़ा रहेगा और इसकी ये मिट्टी में बिल्कुल ही पोरस नहीं होगी तो ना तो पौधे को हवा लगेगी और पानी भी अधिक होने से इसकी जड़ और कोडेक्स सड़ जाएगा। इसके साथ एक चीज़ मैं अडेनियम के फ्लावरिंग पॉट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप इसका फ्लावरिंग पॉट परचेज करें तो एक तो वो मिट्टी का हो, मेरा ये सेरेमिक का बनेगा, लेकिन मिट्टी का लीजिए और उसमें गहराई के बजाय अगर चौड़ाई ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है,
क्योंकि जो मेन इसकी जो जिससे कि ये फूलों को ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है और जो इसकी खूबसूरती है वो इसके कोडेक्स में होती है, और वो चौड़ाई में जितना ही हेल्दी होगा, जितना ही उसे फैलने की जगह मिलेगी, उतना ही आपका प्लांट ज़्यादा ब्लूमिंग करेगा और बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में। तो आप फ्लावरिंग पॉट इस प्रकार का लीजिए। इसके साथ ही ये गर्मियों में ये धूप में रह लेता है पौधा और अच्छी फ्लावरिंग करता है, क्योंकि एक डेजर्ट का प्लांट है। लेकिन इसकी जो सॉइल मिक्सचर है उसका जो वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उस वीडियो को आप, इसकी पॉटिंग सॉइल कैसे बनाएं उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें, और उसी के अकॉर्डिंग इसकी फ्लावरिंग जो हैगा वो आपका सॉइल मिक्सचर बनाएं, जिससे कि इतने फूल आपके भी अडेनियम प्लांट में आ सकें और देखने में पौधा इतना ही सुंदर लगे कि एक ही पौधे में देखिए पत्तियां नहीं सिर्फ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। तो इतने सुंदर पौधे अगर हमारे बाग में लगे हों तो हमारा बाग देखने में सुंदर लगता है। तो जितने भी मैंने वीडियो अडेनियम के डाले हैं अपने चैनल पे, उन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगी, और आप उनको वॉच करके अपने भी गार्डन में अडेनियम के पौधे ऐड करें और इसी प्रकार की फ्लावरिंग पाएँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और अडेनियम के ये फ्लावर्स की ब्लूमिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।